हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपने भी एक नया BSNL का सिम लिया है या आपने पोर्ट किया है तो आपको पता होगा, जैसे अपने इसमें एयरटेल, वोडाफोन और जियो में हमको फ्री कॉलर ट्यून मिलती है किस में और किस में पेड मिलती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप कॉलर ट्यून कैसा लगा सकते हो अदर सिम के तरीका BSNL में भी। जी हाँ, आपको BSNL में भी लगाने का एक तरीका रहता है, बट वो उनसे अलग है। जी हाँ, आपको BSNL कॉलर ट्यून सेट करने का तरीका थोड़ा अलग है, मैं आपको बताऊँगा कैसा सेट करते हैं। तो इसके लिए हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, प्ले स्टोर पे आ सकते हो और प्ले स्टोर पे आने के बाद आपको सर्च करना है, देख सकते हो माय BSNL टोन्स ऐप। तो ये आपको पहले ही एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसमें आपको बता रहा है माय BSNL टोन्स। बट आपको ये एप्लीकेशन हर जगह वर्क नहीं करती है, मतलब कोई कोई इसमें वर्क करती है स्टेट में, हर स्टेट में वर्क नहीं करती है। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया, यहाँ से मेरा कॉलर ट्यून सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने क्या करा, अभी इंडिया में जहाँ भी बंदे रहते हैं आपको कैसे कॉलर ट्यून सेट करना है उसके लिए तो कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना इस तरीके से, तो आपके सामने ब्राउजर ओपन हो जाएगा। अभी कॉलर ट्यून सेट करने के लिए आपको यह सर्च पे आना है और यह सर्च करना है आपको BSNL। उसके बाद BSNL लिखने के बाद आपको यह लिखना है कॉलर ट्यून। क्या लिखना है आपको, कॉलर ट्यून। जैसे आप कॉलर ट्यून सेट पे क्लिक कर देंगे, सर्च मैंने क्या किया वो देख लीजिए आप। उसके बाद देखो, आपको यही एप्लीकेशन पहले भी बताता है कि आप इससे कर सकते हो, बट वो एप्लीकेशन एक अलग है, वो जिसमें चलती है वो चल जाएंगी। अगर आपके इसमें नहीं चलती है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा BSNL टोन वाला ऑप्शन, देखो RBT, आपको यही वेबसाइट पर आना है। चलिए मैं आके दिखाता हूँ इस वेबसाइट पे। जैसे ये वेबसाइट पे आता हूँ मैं, थोड़ी देर आपको वेट करना है, आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट खुल जाएंगी, देख सकते हो आपको बता रहा है इस तरीके से। तो अभी ये वेबसाइट पे आने के बाद मैं आपको थोड़ा बताता हूँ इसको आपको कैसे चलाना है। सबसे पहले तो देखो, आपको कैटेगरी में सर्च करना है, तो लैंग्वेज पर क्लिक करूँगे तो आपकी जो भी लैंग्वेज है ऐसे सब सिलेक्ट कर सकते हो, सारी की सारी लैंग्वेज इसमें है। तो मैं हिंदी पर सिलेक्ट कर दूंगा, देन कैटेगरी पर सिलेक्ट करके आपको कौन सी कैटेगरी के इसमें सुनना है, जैसे हिंदी हो चुका है। उसके बाद आपको देखो यह उदित नारायण और बहुत सारे, तो मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पे क्लिक करता हूँ, या जितने भी बॉलीवुड सॉन्ग्स है वो नीचे आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है, आपको देखो ऐसे देखने के लिए मिलता है सॉन्ग के बाजू में मूवीज, एल्बम, आर्टिस्ट, RBT कोड और नेम। मतलब RBT कोड यह होता है कि जो सॉन्ग का कोड रहता है ना वो, और नेम का टोन होता है वो, नेम भी सर्च कर सकती हो। तो सिंपल सा आपको देखो यहाँ क्या करना है, जैसे ये सॉन्ग पे क्लिक करना है और आपको जो भी ऐसे सॉन्ग सर्च करना है सर्च कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ सर्च करता हूँ, देख सकते हो, जैसे अभी सर्च करता हूँ मैं ओ माई, तो देख सकते हो यह देखने के लिए मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ क्या करूँगा, सर्च करने के बाद गो वाला ऑप्शन है, इस गो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो जितने भी देखो नीचे मुझे यह देखने के लिए मिल रहे इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको भी काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे। अभी देखो आपको इस तरीके से बताएंगा। और अगर आपको इसमें लेटेस्ट सॉन्ग नहीं मिलते हैं ना, तो आपको एक बार डबल से सर्च करना, एक बार गाने का नाम सही से तो हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हो आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले का, आप इसमें सुन सकते हो प्ले करने के बाद क्या वो कैसी बजता है। उसके बाद आपको सेट ट्यून को इस पर क्लिक करना है, और ये गिफ्ट का तो अलग ऑप्शन है। अभी देखो इससे पहले आपको देखना है ये BT कोड क्या है, ये BT कोड को आप क्या कर सकते हो, इसको कॉपी कर लेना है आपको। और आपको क्या करना है, SMS बॉक्स में जाके आपको यह देखो नंबर क्या है 53700, इस पे आपको क्या करना है, मैसेज सेंड करना है इस तरीके से। और आपको उसके आगे देखो ये क्या करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो देख सकते हो मैंने लिखा है या देखो 53700। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो RBT, तो इस तरीके। उसके बाद आपको या देखो जो भी कॉलर ट्यून का नंबर था उसको पेस्ट करना है और आगे लिखना है ACT। इतना करने के बाद आपको SMS सेंड कर देना है अपने कौन से सिम से, जो भी आपका सिम है। देखो मेरे इसमें सेकंड सिम है, तो मैं क्या करूँगा, देख सकते हो सेकंड सिम पे सिलेक्ट करके मेरा यहाँ से क्या करता हूँ, मैं BSNL सिम से भेज देता हूँ, तो वो देख सकते हो वाजे SMS सेंड हो चुका है। तो इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हो, ये आपको सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, देखो जो भी सॉन्ग है उसके बाद आपको सेट ट्यून पे आ जाना इस तरीके से, जो आपको मोबाइल का आइकन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपको एक देखो या ऑप्शन खुलेगा, इसमें बता रहा है आपका जो भी मोबाइल नंबर है उसको आपको एंटर कर देना है। तो देख सकते हो मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद अभी आपको बता रहा है सबमिट वाला ऑप्शन। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे तो देख सकते हो आपको इस तरीके से बताएगा नीचे, देख सकते हो सॉरी वी आर अनेबल टू, आपको कुछ ही नहीं करना है इसको, आपको कुछ भी नहीं करना है सर्विस को, ये ऐसा ही एरर बताएगा आपको। ऊपर से एक कोड आएगा, देख सकते हो अभी मेरे इसमें कोड नहीं आ रहा है, तो देख सकते हो ऊपर से मुझे एक कोड आ चुका है, देख सकते हो अभी ऊपर से मेरे को SMS आ चुका है और आपको ऐसी प्रॉब्लम बताएगा। ये या आपको याद इस तरीके से नहीं दिखा के आपको बोलेगा कि नीचे कोड डाल दीजिए, तो आपको ये कोड डाल सकते हो। या ऊपर से देख सकते हो बता रहा है डियर यूज़र वी विल वी चार्ज 30 रुपये फॉर सब्सक्रिप्शन एंड 12 रुपये फॉर सॉन्ग ओ माही वैलिड फॉर 30 डेज टू एक्टिवेट रिप्लाई विद 9, 2, और 3, 5। इस तरीके से आप इन पर कॉल कर सकते हो, या नीचे आपको कोड इंटर बोलेगा तो वो कोड इंटर कर देना है, या से आपको वो हो जाएगा फिल। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट इसका आपको क्या करना होगा, रिचार्ज मारना होगा। रिचार्ज मारने के लिए आपको कुछ भी नहीं, एक प्लान होगा इसमें 107 रुपये का, जिसमें आपको कॉलर ट्यून फ्री मिलती है, तो आप रिचार्ज कर सकते हो। या आपके इसमें प्लान में है ऑलरेडी फ्री कॉलर ट्यून का, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।